प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना क्षेत्र में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, इस दौरान तीनों को चोट भी आई। तीनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के धरियावद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर 31 अगस्त को एक महिला को उसके पति के जरिए निर्वस्त्र करने के बाद पूरे गांव में घुमाया गया है। इस घटना का वीडियो शुक्रवार रात को वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आला अधिकारी एक्शन में नजर आए। साथ ही एसपी कलेक्टर सहित घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे। वीडियो के मुताबिक महिला को पति ने ही निर्वस्त्र कर उसको करीब 1 किलोमीटर तक दूर गांव के बाहर नदी तक दौड़ाया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार, धरियावद थानाधिकारी पेशावर खान सहित जाप्ता मौके पर पहुंचा। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, मामले की गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को भेजा गया है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को सजा दिलवाई जाएगी। धरियावद पुलिस स्टेशन में एक गांव है निचला कोटा, वहां एक बहुत गंभीर घटना घटी, जिसके विषय में स्थानीय पुलिस को आज शाम को पता चला। घटना संभवतः कल का है, और जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस एक्शन मोड में आ गई। थानाधिकारी से लेकर वृत्ताधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों तत्काल मौके के लिए रवाना हुए, और वहां जाकर उन्होंने लीगल एक्शन शुरू किया। माननीय गहलोत साहब, आप तो राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं की सीधे सीधे सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हम कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा घिनौनी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, केवल वीडियो आना बाकी है। अब वो भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई होगी, कल रात को प्रतापगढ़ राजस्थान से वीडियो आया होगा आपके पास, एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करके बाजार में घुमाया जा रहा है। लेकिन आपके मंत्रिमंडल को तो इसके अंदर मर्दानगी दिखाई देती है। राजस्थान का मान सम्मान स्वाभिमान कहां गया? आपकी 90 दिन बचे हैं कार्यकाल के, और जो आपकी सरकार की रेपुटेशन है उससे कम से कम 1600 बेटियों की जान खतरे में है। कम से कम अब तो मानिए कि राजस्थान जल रहा है।